22 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म पागलपंती की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब रही। वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक पागलपंती ने पहले दिन सिर्फ 5 करोड़ रुपए की कलेक्शन की, दूसरे दिन इसकी कमाई 6 करोड़ 25 लाख रुपए रही और तीसरे दिन 8 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी पहले 3 दिन में इस फिल्म की कुल कलेक्शन 19 करोड़ 50 लाख रुपए रही। फिल्म को बनाने की कुल लागत 85 करोड़ रुपए है। पागलपंती एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें जॉन अब्राहम, अरशद वारसी, उर्वशी रोटेला, कृति खरबंदा, इलियाना डिक्रूज और पुलकित सम्राट मौजूद हैं। फिल्म की कहानी 3 दोस्तों की है जिनके जीवन में काफी उठापटक है। इसी के साथ रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। फिल्म ने भारत में पहले दिन 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कलेक्शन की, दूसरे दिन इसकी कमाई 6 करोड़ 75 लाख रुपए रही और तीसरे दिन की कलेक्शन रही 8 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी ओपनिंग वीकेंड पर इसकी कुल कलेक्शन 18 करोड़ 25 लाख रुपए रही। घरेलू सिनेमा हॉल्स में इस फिल्म का कलेक्शन $127 मिलियन रहा और दुनिया भर में इस फिल्म ने अब तक $350 मिलियन की कमाई कर ली है। नवंबर के महीने में रिलीज हुई ये पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसने इतनी कमाई कर ली है। फ्रोजन 2 राजकुमारी एना और एल्सा की काल्पनिक कहानी है जिसके जरिए एक पर्यावरण संदेश दिया गया है। साल 2013 में आई फिल्म फ्रोजन ने पहले 3 दिन में $67 मिलियन की कमाई की थी। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।